हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और आज RRBPO मेंस का पेपर था। मैं भी पेपर देके आया हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा। मैंने लास्ट ईयर भी RRBPO मेंस दिया था, तो मैं आपको एक अच्छा कंपैरिजन बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या जा सकती है, पेपर का लेवल था, तो सेक्शनल कट ऑफ बढ़ेगी कम होगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, पहले हम सेक्शन वाइज चलते हैं। तो जो कि सबसे पहले ओवरऑल मैं बता दूं तो पेपर डेफिनेटली लेंदी था, और आप लोग डरिए मत, आपके अटेम्प्ट्स कम है। लास्ट ईयर के रिव्यू देख के आप इस बार का पेपर दिए तो डेफिनेटली पेपर लेंदी था और हार्ड भी था थोड़ा सा, तो आप डरना नहीं। और कॉन्ट सेक्शन तो भाई डेंजर, इस सब एग्जाम में कॉन्ट बहुत हार्ड आ रहा है और डरा दिया कॉन्ट ने। IPS PO मेन्स के बाद में दूसरा मेन्स है जिसका कॉन्ट बहुत लेंदी था, तो टेंशन नहीं लेना है, कॉन्ट में कट ऑफ कम ही जाएगा सेक्शनल। अगर आपके कम अटेम्प्ट्स है तो डरना नहीं है। कॉन्ट में बता दूं मैं तो एक दो DI आई थी जो पिक्टोरियल है, और एक कैसलेट आया था। तो एक DI थी आपकी पाई चार्ट प्लस टेबुलर वाली, पाई चार्ट भी था उसमें, टेबल भी था। पाई चार्ट में बॉयज़ प्लस गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था परसेंटेज, और एक वैल्यू दी थी 200, जिसमें टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स 200 थे, चार सेक्शन थे ABCD, और वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें। और टेबल में बॉयज़ का डेटा दिया हुआ था परसेंटेज, वो निकालना था। और ये बस यही एक DI थोड़ी ड्यूएबल थी, जिसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ के चार क्वेश्चन अराउंड ड्यूएबल थे। तो ये एक ड्यूएबल DI लगी है 4 मार्क की। उसके अलावा आपकी दूसरी जो DI आई थी वो आपकी मिसिंग टेबुलर DI थी, जिसमें मिसिंग थे और वेरिएबल भी थे कुछ, तो उसके बाद नोट्स भी दिया हुआ था, बहुत लेंदी थी, क्वेश्चन भी बहुत गंदे गंदे थे, LCM HCF क्या क्या इसमें सब दिया हुआ था। तो ये DI मैंने इसके 1 ही 2 क्वेश्चन किए और फिर बाकी 3 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। इसके अलावा कैसलेट थी, इसमें ABC ऐसे 3 सेक्शन थे, चार चार लाइन के पैराग्राफ था, उसमें कुछ कैलकुलेट करके टेबुलर टेबल बनाना था, तो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा स्पीड मैथ्स की बात करूं तो लास्ट ईयर अराउंड 11 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स से आए थे, जो कि बहुत ईजी थे। बट इस बार स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 नंबर सीरीज आई थी, उसमें भी एक आध थोड़ी लेंथ थी, तो बस 4 क्वेश्चन वो नंबर सीरीज के डुएबल थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लास्ट ईयर नॉर्मल वाली आई थी, जिसमें रूट निकाल के कंपेरिजन करना था, इस बार ऐसा नहीं था। क्वाड्रेटिक भी आपका वेरिएबल वाला आया था, जिसमें कि x की पावर 1, तो क्यूब वाला भी एक आया था, उसके बाद में वेरिएबल लगा हुआ था, मतलब AB उसका वैल्यू निकाल के फिर कंपेरिजन करना था। तो क्वाड्रेटिक भी इजी वाली थी, जैसे IPS PO मेंस में लास्ट ईयर आई थी उस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। और HCF LCM पे भी बहुत क्वेश्चन आए थे, 2 3 क्वेश्चन दिख रहे थे। एंड फिर उसके बाद अगर अरिथमेटिक की बात करें तो वो भी वेरिएबल बेस्ड थे, लेंदी लेंदी अरिथमेटिक क्वेश्चन थे, 3 3 लाइन के। आप लास्ट ईयर से इस पेपर को बिल्कुल कंपेरिजन नहीं कर सकते। लास्ट ईयर अगर पेपर 10 था तो ये समझ लीजिए 20 है, डबल है उससे। तो पिछले बार आराम से लोगों के 16 17 18 अटैम्प्ट भी हो जा रहे थे क्वांट, बट इस बार 10 से 11 12 करना ही मुश्किल था। जिसने 15 कर लिए वो तो गुड अटैम्प्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। और 8 से 10 वाले भी डरे ही नहीं, लास्ट ईयर कट ऑफ 8 गई थी क्वांट की, बट इस बार डेफिनेटली कट ऑफ क्वांट की 5 6 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 4 भी जा सकती है, 4 5 6 इसी के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ। और स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले क्वेश्चन भी आए थे, तो बस मैंने अरिथमेटिक और स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो किए ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। मैंने अराउंड 20 22 मिनट्स क्वांट को दिए होंगे, 24 मिनट्स के लगभग। बाकी ये था कॉन्ट का सेक्शन, मैं अटेम्प्ट अपने सारे लास्ट में बता दूंगा आपको। और सब रीजनिंग पे आ जाते हैं, रीजनिंग भी पेपर लास्ट ईयर से लेंदी था। लास्ट ईयर आराम से लोग 32 31 33 इतने कर ले रहे थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है। बट इस बार 27 28 अटेम्प्ट भी बहुत हो गए, क्योंकि जो पजल्स थे ना वो ईजी तो थे, बन तो जा रहे थे, बट वो लेंदी थे, बड़े बड़े पैसेज थे पजल्स के एक दो। तो क्वांट का भी मैं बता रहा हूँ ना, 25 के ऊपर जिसने भी किया बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो क्वांट में आया क्या था वो देख लें, तो इसमें आपका लीनियर पजल आई थी, 8 लोग थे, उसमें वेरिएबल था उनके साथ में, एक ईजी था, ड्यूएबल था। उसके बाद मंथ एंड डेट एक पजल आई थी, 4 महीने 2 डेट दिए हुए थे, वो भी ड्यूएबल थी, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। उसके बाद में एक बॉक्स पजल आई थी, जिसमें कॉर्नर वाले इनसे 8 लोग थे, कॉर्नर वाले इनसाइड दिख रहे हैं और एजेस वाले आउटसाइड, और उसके साथ में एक वेरिएबल था। लेंदी लेंदी पजल्स थे बट डुएबल थे, ऐसे कहीं फंस नहीं रहे थे। एक पजल बहुत फंसाने वाला था, कैटेगरी वाला, जिसने भी किया होगा बताना बना कि नहीं। मैंने तो उसको स्किप किया, क्योंकि स्किप करने वाला ही पजल था। उसमें 3 चीज़ दी हुई थी, 3 कैटेगरी, उसके साथ फिर या तो 2 रहेगा उसमें या तो 3 रहेगा, उस टाइप का जो पजल आता है वो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा इनपुट आउटपुट भी आया था एक 5 मार्क का, वो भी ईजी था, लेकिन उसमें भी नन ऑफ द स्टेप फॉलो सच थिंग वाले एक आध ऑप्शन आया था कि आप बताना मुझे, ऐसा कुछ आ रहा था उसमें। तो उसके अलावा अगर मैं मिसलिनियस की बात करूं तो सिलॉगिज्म आया था, 4 4 4 सिलॉग्स आए होंगे, 3 से 4। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था सिंगल स्टेटमेंट वाला। उसके अलावा डायरेक्शन का क्वेश्चन था, वो भी बहुत लेंदी था, 7 8 लाइन का दिया हुआ था, उसी में गोल गोल घुमाया जा रहा था, वो लेंदी पर था। फिर बाद में 5 से 6 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, जिसमें वो स्टेटमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकेंड वाला आता है, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा था आपका रीजनिंग पर लास्ट ईयर से लेंदी। लास्ट ईयर अराउंड 18 कट ऑफ गई थी ना मेंस की, तो इस बार आप
14-15 पकड़ी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ 14-15 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की। फिर अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी लेंदी था लास्ट ईयर से, और इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट भी था लास्ट ईयर से, नए टाइप के क्वेश्चन देखने मिले मुझे उसमें। नए क्वेश्चन बता दूँ तो जो पैराग्राफ होता है उसमें फिलर्स आते हैं ना, तो इस बार फिलर्स नहीं था, इस बार ऑलरेडी उसमें कुछ वर्ड दिया हुआ था उसको रिप्लेस करना था, ऐसे 6 क्वेश्चन थे उसके पैसेज से, तो वो एक आया था। उसके बाद में एक स्टेटमेंट था उसमें ए बी सी डी 4 बोल्ड करके दिया है, और उसमें फिर ऑप्शन में अलग 4 ऑप्शन चूज करने, मतलब अलग 4 उसके रिप्लेसमेंट चूज करने थे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे 5 ऑप्शन दिए थे, तो वो एक नए टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद में 2 आरसी आया था, 5-5 मार्क के आया था, बड़ा एक सिंगल आरसी नहीं आया था, 2 5-5 मार्क के आरसी आए थे, और एक आरसी उसमें ड्यूएबल था, मैं एक ही कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और एरर के भी 4-5 क्वेश्चन आए थे। पैराजंबल भी आया था, पैराजंबल का आंसर मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ, CEADB, अभी मेरा आंसर है पता नहीं सही कि गलत है, मैं लिख के लाया, आपको बताना गलत रहेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन CEADB ये मैंने पैराजंबल मार्क किया है। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक सिंगल मार्क्स के आए थे, वो भी थे, तो ऐसा आपका इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का पेपर भी लेंदे था, जिसने भी 20-22-25 के आसपास भी कर लिया है तो इंग्लिश के लिए वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लास्ट ईयर से लेंदे था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था इंग्लिश का भी। और बाकी जीए की बात करूँ तो जीए भी लास्ट ईयर से थोड़ा ईजी था, जीए मैं मानता हूँ, जीए और कंप्यूटर ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस बार ईजी आए थे, बाकी आप 3 सेक्शन लेंगे तो लास्ट ईयर कंपेरिजन में बढ़ गए थे, लेंदी थे, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल 5 मिला लेंगे तो पेपर का लेवल अप था, क्योंकि कंप्यूटर का मार्क्स 20 मार्क्स का होता है तो वो उतना मेजर रोल नहीं प्ले करेगा, और जीए चाहे ईजी है चाहे हार्ड है, पढ़ने वाला ही कर पाएगा, नहीं पढ़ने वाला ईजी पेपर भी आएगा तो वो कम ही अटेम्प्ट करेगा, तो जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है ना वो आपका कॉन्ट रीजन इंग्लिश होता है, वो तीनों सेक्शन इस बार लास्ट ईयर से लेंदी आ गया था, तो आप ये सोच के चलिए कि पेपर हार्ड ही था इस बार का लास्ट ईयर कंपेरिजन में। जीए में डूएबल क्वेश्चन थे बहुत सारे, और कंप्यूटर भी लास्ट ईयर से इजी था, लास्ट ईयर क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे, इस बार एमएस ऑफिस से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार, और हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल कौन सा कोडिंग मतलब कौन सा इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं ये सब मॉक के क्वेश्चन है, और सब जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, और एमएस ऑफिस के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी सजेस्ट किया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको हेल्प मिली होगी। और आगे जिनका आरआरबी क्लर्क का भी पेपर जो रिव्यू देख रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि पेपर का लेवल अप आया था, और आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना है, कैसा भी पेपर आ सकता है, जरूरी नहीं कि आरआरबी क्लर्क है तो 150-160 अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, नहीं हो पाते हैं, तो उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। तो ये था ओवरऑल एग्जाम रिव्यू। अब मैं मेरे अटेम्प्ट की बात कर दूँ तो मैंने क्वांट में किए हैं 11 क्वेश्चन, रीजनिंग में मैंने किए 27 क्वेश्चन, इंग्लिश में मैंने किए 32 क्वेश्चन, और जीए में मैंने 22 अटेम्प्ट किए, जिसमें एक्यूरेसी का मुझे पता नहीं, मैंने जीए इतना पढ़ा नहीं है 1-2 महीने से, पिछले पुराने मार्च अप्रैल मई जून पढ़ गया था, और स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है जीए में, करंट से इतना कुछ दिखा नहीं मुझे, और स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा आई थी, तो जीए में मैंने 22 अटेम्प्ट किए, 1-2 मार्क फॉर रिव्यू किए थे मैंने लेकिन लास्ट में आ नहीं पाया, और कंप्यूटर मैंने अटेम्प्ट किए 32, लास्ट ईयर मैंने कंप्यूटर में 21 अटेम्प्ट किए थे, मुझे 20 मेरे 20 राइट हो गए थे, सिर्फ एक गलत हुआ था, और इस बार मेरे अटेम्प्ट 32 मतलब अटेम्प्ट बढ़े हैं मेरे, तो कंप्यूटर सेक्शन डेफिनेटली लास्ट ईयर कंपेरिजन में ईजी था, तो कंप्यूटर की सेक्शन कट ऑफ 8-9 मार्क्स तो जाएगी, 8 मार्क तक तो जा ही सकती है कंप्यूटर की 40 में से, तो ओवरऑल मेरे 124 अटेम्प्ट्स हुए हैं, 124 अटेम्प्ट्स, जिसमें कि कंप्यूटर के वैसे ही अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, बट अगर आप लास्ट ईयर कंपेरिजन में करेंगे तो क्वांट रीजनिंग मेरे अटेम्प्ट कम ही हो गए हैं, क्वांट रीजनिंग प्लस इंग्लिश ये तीनों मिलाएंगे ना तो लास्ट ईयर से अटेम्प्ट मेरे कम हुए हैं, सबके अटेम्प्ट कम हुए हैं। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट शेयर करना, कैसा कितने आपके अटेम्प्ट से, कैसा आपको एग्जाम लेवल लगा अगर आपने दिया होगा, और आरआरबी क्लर्क मेंस अगर आपका है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना कि पेपर कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जाम रिव्यू, बाकी ओवरऑल कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ कितना जाएगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लास्ट ईयर का कंपेरिजन में इस साल कितना आ सकता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू।